व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्चुअल पाठ्यक्रमों और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 15 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये ई कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा और अध्यापकों को सशक्त किया जाएगा कि वह शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध करा सके। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके पूरे देश में और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्व सुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और आईटी फॉर्म्स में होगी और जो विश्वविद्यालय है वह हमारे नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा जिसमें NIMHANS का एक नोडल सेंटर के रूप में